अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उसके बाद अरुणाचल की राजनीति ने बिहार का पारा बढ़ा दिया। बीजेपी और जेडीयू में तकरार बढ़ती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद जेडीयू नाराज है और जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बीजेपी की सियासत को गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि हम अपने सहयोगियों के खिलाफ साजिश नहीं रचते और न ही धोखा देते हैं। हमें गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायक थे, 7 में से 6 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ गई है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर राजस्थान में सियासत शुरू हो गई। कर्ज माफी को लेकर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया है। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच में किसान कर्ज माफी को लेकर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को निशाने पर ले रही हैं और आरोप लगा रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने संपूर्ण कर्ज माफी की बात की थी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि नेशनल बैंक का कर्ज माफ करने की पावर केंद्र सरकार के पास है और इसके लिए हम कई बार पत्र लिख चुके हैं। कर्ज माफी को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर ये बवाल शुरू हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि हमने सारे सहकारी बैंकों का कर्ज माफ कर दिया। पश्चिम बंगाल की के किसानों ने सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में जल्द किसान सम्मान निधि शुरू करने की अपील की है ताकि यहां के किसानों को भी केंद्र सरकार की योजना का फायदा मिल सके। 2 दिन पहले किसानों को किसान सम्मान निधि देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि बंगाल के किसानों को केंद्र की योजनाओं से ममता सरकार दूर रख रही है। अब बंगाल के किसानों का भी दर्द सामने आया है। ये सरकार हमारा पश्चिम बंगाल का जो सरकार है ना, दूसरा देश में हम लोग सुना था बहुत पहले ही सब चालू हो गया। हमारा पश्चिम बंग का जो सरकार है ये अभी तक ये पश्चिम बंग चालू नहीं किया। सरकार जो चाहते हैं लागू करने के लिए जो वेस्ट बंगाल में, वो तो वेस्ट बंगाल में लागू नहीं किया। लागू होने से हमको सुविधा भी आएगा, होने से सबका जैसे और दूसरा स्टेट में जैसे अच्छा हो रहा है, हम लोग का भी वैसे ही अच्छा ही होगा। यूपी के बुलंदशहर में कोविड अस्पताल से 4 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने के बाद से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा। कोरोना से संक्रमित होने के बाद 4 कैदियों को इलाज के लिए बुलंदशहर के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक साथ 4 चोरों के फरार होने की सूचना सामने आई। फरार कैदी जेल जाने से पहले किए गए मेडिकल जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि जैसे ही कैदियों के फरार होने की सूचना मिली, पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने 3 फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी भी एक फरार कैदी के बारे में पुलिस को कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। यूपी में कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हो गई। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।